और ये किसके नसीब में अध्यक्ष हमारा? आज एक पार्टी वाला पार्टी के अंदर ही तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। कभी हमने पॉलिटिकल पार्टी के डिस्क्रिप्शन के आधार पर कोई काम मंजूर किया या ना मंजूर किया ऐसा कभी नहीं किया। जो भी आते होने वाला काम है सबका करते। सर हमने काफ़ी नई टेक्नोलॉजी लाई है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, मैं उस पर जाता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक टोल का 97% कलेक्शन हो गया। अब मैं GPS सिस्टम लाना चाहता हूँ, टोल ही नहीं रहेंगे। अब टोल नहीं रहेंगे तो कुछ अखबार वाले लिख देते कि टोल खत्म होगा। टोल नहीं खत्म होगा। इफ यू वॉन्ट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मुझे लोग पूछते टोल कब माफ करोगे, मैंने बोला तुम यहाँ 5-स्टार होटल में कार्यक्रम करते हो तो क्या फुकट में मिला क्या आपको? अगर फुकट में करना था तो रामलीला मैदान पर बैठना था, जब यहाँ बुलाते हो तो पैसा देना पड़ेगा। तो अभी GPS सिस्टम है और आपके गाड़ी में GPS लगा देंगे, अब मैंडेटरी कर दिया, और वहां से रिकॉर्ड होगा आपने कहाँ से एंट्री की, कहाँ से निकले, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाए, कोई आपको अड़ाएगा नहीं, कुछ नहीं। तो उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये डिजिटल हाईवे हम बना रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन के लिए काम कर रहे हैं। अभी TOT है, TOT के बाद टोल ऑपरेट ट्रांसफर, फिर हम लोग इन्विट कर रहे हैं। अब इन्विट में मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं अब इस देश के गरीब लोगों के पैसे से हाईवे बनाना चाहता हूँ। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप में जितना दम होगा उतने रास्ते मांगो, मैं सब कर दूंगा। मार्केट से खड़ा होगा पैसा। अभी बैंक के चेयरमैन मेरे पास झगड़ा करते, बोलता मेरा पैसा लो, बोलता मेरा पैसा, कोई पैसे की कमी नहीं। पर अब मुझे रोड बनाना है तो मुझे एक दिन सपने में ऐसा लगा कि सब अमेरिकन पेंशन फंड, UK, सब बाहर के लोग रोड में इन्वेस्ट कर देंगे तो हिंदुस्तान के इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के रोड एसेट सब मालक फॉरेनर बन गए। बोला ये नहीं करना। और इसलिए आज ये जो मॉडल है इन्विट, इसमें प्रोजेक्ट होगा 1000 करोड़ का। तो हम लोग जाएंगे जैसे स्टॉक एक्सचेंज में और यहाँ के चपरासी, कांस्टेबल, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, गरीब लोग, किसान, मैं उनको कहूंगा NHI के बॉन्ड में पैसे डालो, मिनिमम 7% रिटर्न मैं आपको दूंगा, 7%। अब बैंक में आपको कहाँ मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज, हर महीने में आपके अकाउंट में मिल जाएगा। AAA रेटिंग है, वर्ल्ड का है। और इसलिए अब इस देश के गरीब लोगों का पैसा रोड में लेना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। SEBI का अप्रूवल नहीं मिला है। अगर SEBI अप्रूवल दे देगी तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से रोड बनेंगे और 7% रिटर्न उनको मिलेगा, ताकि वो भी पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन, आप भी जब यहाँ से रिटायर्ड हो जाएंगे तो सभी MP नहीं बनते साक्षी महाराज, अब आपका डिपॉजिट रख देना NHI में, 7% इंटरेस्ट में आपको पैसा मिलेगा। सर ये मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे सुझाव सम्मान्य सदस्य ने दिए हैं, सबके सुझाव के जवाब भी लेकर मैं आया हूँ, पर समय की कमी है और आपने दिया हुआ समय अब मेरा समाप्त हुआ है। मैं इतना ही अनुरोध करूँगा कि इसके बाद में भी आपके सुझाव जो भी देश के हित में है, सेक्टर के हित में है, आप कोई भी पार्टी के हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम इसका अनुकरण करते। कभी हमने पॉलिटिकल पार्टी के डिस्क्रिप्शन के आधार पर कोई काम मंजूर किया या नामंजूर किया ऐसा कभी नहीं किया। जो भी आते होने वाला काम है सबका करते, और आपका विश्वास और प्रेम यही हमारी ताकत है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अभी अधिकारियों को बता रहा था कि 75 लोग बोले, और ये किसके नसीब में अध्यक्ष हमारा? आज एक पार्टी वाला पार्टी के अंदर ही तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते लोग। यहाँ कौन कम्युनिस्ट पार्टी का है, कोई कांग्रेस पार्टी का है, कोई MIM का है, वो बेचारा आकर कहता है कि नहीं, खुश होता है। तो मैंने कहा ये सब आपके बदौलत हुआ, ये हमारे अधिकारियों ने, मैंने उनको कहा कि देखो ये श्रेय मेरा नहीं है। मैं अक्सर मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन लोगों को बताता हूँ, मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B² पर अध्यक्ष महाराज इसमें सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं,
और पोस्टर चिपकाते हुए पार्टी का अध्यक्ष बना हूं, तो ग्रास रूट से आया हूं। तो मैंने एक बात सीखी है कि ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वेयर, यानी कम टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, और ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क एंड बिजनेस। तो मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि आप काम करो, और हमारी टीम काम कर रही है, आप सब काम कर रहे हैं, इसके कारण हमको श्रेय मिला है। आपकी अच्छी बातें जो है वो तो मेरा अकेले का श्रेय नहीं है, दैट क्रेडिट गोज टू थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स, डे एंड नाइट उन्होंने काम किया, उनको ही उतना ही श्रेय है। और इसलिए ये जो टीम वर्क है उसके लिए ये हमको सफलता मिली है, प्रधानमंत्री जी का यशस्वी मार्गदर्शन है, वित्त मंत्री जी ने हमको बहुत बजट बढ़ा कर दिया है, और हमको जितना बढ़ाने का हमें पैसे की कोई अड़चन भी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से हम इस देश को, जैसे मैंने पहले कहा था कि 24 दिसंबर के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, यही हमारा प्रयास होगा। और ये करते समय आपके जो भी सुझाव होंगे, आपके कहीं अगर टिका भी होगी, क्रिटिसिज्म भी होगा, तो भी उसका स्वागत करते हुए, उससे सीखते हुए हम आगे जाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट की ये जो मांगे हैं उसको आप पूरी तरह सपोर्ट करिए और उसका समर्थन करिए, और फिर भी कोई बात होगी तो मेरे चेंबर में आपका दरवाज़ा ओपन है, आप कभी भी आइए, आपका काम करने का हर समय हम प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।